अपने बिंदास न्यूज़ के जरिए जो आज खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो निश्चित रूप से आपको सोचने पर विवश कर देगी। उस खबर को देखने के बाद आप खुद से ही पूछ सवाल कर बैठेंगे कि क्या ऐसा भी होता है। तो मैं आपको बताऊं कि कहीं और नहीं, आपके गढ़वा जिले में हत्या की कीमत लगाई गई है। अक्सर देश के कई जगहों से सुनने को मिलता है कि कई मामले, जघन्य मामले भी पंचायत में निपटाए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पंचायत स्वीकार नहीं होने के बाद वो मामला प्रशासन के पाले में आता है, उसके बाद बात आगे बढ़ती है, कार्रवाई होती है, लोग गिरफ्तार होते हैं, लेकिन उसका जड़ कहीं ना कहीं पंचायत होता है। यानी गांव में जो पंचायत बैठती है किसी मामले को लेकर, पंचायत में सुलझाने की बात आती है, नहीं सुलझने की स्थिति में तब जाकर मामला प्रशासन के स्तर पर आता है। कुछ ऐसा ही मामला गढ़वा जिले में आया है, जहां पर एक हत्या की कीमत लगाई गई है। यह मामला जिले के भंडरिया थाना क्षेत्र का है, जहां पर शनिवार की शाम एक लड़की गायब होती है, पूरी रात उसकी खोजबीन होती है। जब अगले सुबह लोग फिर उसे खोजने निकलते हैं तो उसका शव पेड़ में लटका हुआ पाया जाता है। यह घटना भंडरिया थाना क्षेत्र के मंजरी गांव का है, जहां पर एक लड़की अपने सहेली के साथ शाम में शादी समारोह में शामिल होने जा रही थी, शनिवार की घटना। और रास्ते में उसे एक गांव का ही एक लड़का, जिसका नाम कुंदन है, वह उसे अपने साथ ले जाता है, और उसके साथ की जो सहेली थी उसे वह डांट डपट कर घर को भगा देता है। जब देर रात नहीं लौटती है वह लड़की, तो उसके घर वाले पहले उस सहेली के घर पहुंचते हैं, और वहाँ उसके पूछताछ करने पर मालूम चलता है कि गांव का ही जो लड़का, जिसके बारे में हमने बताया आपको, कि वह उसे ले गया है। लोग खोजबीन करने लगते हैं तो सुबह में उसका शव पेड़ में लटका हुआ पाया जाता है। उसके शरीर पर कुछ चोट के निशान भी थे। हत्या की शंका लोगों ने जताई कि इसकी हत्या कर दी गई है। लोगों ने बताया कि अब मामला प्रेम प्रसंग का है, इससे जुड़े हुए लोग मामला बता रहे थे। उसके बाद गांव में पंचायती बुलाई गई उसी मामले को निपटाने को लेकर। अब शव मिला था, हत्या की आशंका जताई जा रही थी, तो प्रशासन के पास जाना था, पुलिस के पास जाना चाहिए था, लेकिन लोगों ने पंचायती बुलाई, जहां पर कुंदन सिंह और रामलाल सिंह दोनों को दोषी ठहराते हुए उन पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। पंचायती ने निर्णय लिया कि 10,000 मंदिर निर्माण के लिए ग्राम कमेटी को और 10,000 मृतक के भाई को उसके दाह संस्कार के लिए दिया जाएगा। यह बात अंततः बहन की हत्या हुई थी, भाई विद्वेली था। अब पंचायत गांव में होती है उसकी बात शुरुआत में तो मान्य थी, लेकिन बाद में अब भाई को नगवार गुजरा कि बहन की हत्या की कीमत हम लें, ऐसा उसे सोचना गंवारा नहीं हुआ। तो वह पुलिस के पास पहुंचा, यानी भंडरिया थाना पहुंचा, जहां उसने सारी घटना की जानकारी दी। उसके बाद भंडरिया थाना प्रभारी दल के साथ वहां पहुंचे। हाँ, इस बीच मैं आपको एक और बात बता दूं कि पंचायती के पहले, पंचायती जब बुलाई गई उसके पहले उस लड़की के शव को दफना दिया गया था। आप वीडियो में देख रहे होंगे जिस शव को, जिस मृत शरीर को लोग जिला मुख्यालय के पोस्टमार्टम हाउस में पोस्टमार्टम होने के बाद वाहन पर रख रहे हैं। यह वही मृत लड़की इसका शव है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसकी हत्या की कीमत लगाई गई थी पंचायत में। तो आपको बताएं कि पंचायती बुलाने से पहले लड़की के शव को दफना दिया गया था। जब वह भाई, मृतक का भाई वहाँ पहुँचता है, थाना में पुलिस पहुँचती है, तो सबसे पहले पुलिस द्वारा शव को निकाला जाता है। गड़े हुए यानी कब्र से शव को निकाला गया, उसके बाद उसे अंत परीक्षण के लिए यानी पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजा गया, और साथ ही दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। दोनों से पूछताछ चल रही है। आप सुन सकते हैं उसके भाई का क्या कहना है। पहले आप उसके भाई की बातों को सुन लीजिए। क्या घटना है, कैसे हुआ? घटना ऐसे है कि वो हमारा बहन था, वो जा रहा था वो बारात देखने के लिए, बीच में लड़का कुंदन नाम का उसका रख लिया। उसके बाद सुबह हुआ, मैं खोजने के लिए निकला, तो हम लोग वो जो गया था साथ में, सहेली के साथ गया था, सहेली के घर गया तो बोला कि वैसा से वो लड़के के पास था, वो कुंदन से, कुंदन नाम के था, उससे था। तो उसी के टाइम हम सोचे
हम चल दिए यहाँ से पूछ के। चलने के टाइम में वो जिस रोड से गया था उस रोड से हम लोग चलने लगे, तो मैंने रोड के नज़दीके मैंने दिखाई दे दिया हम लोग का कि एक पेड़ पर लाश मार के टंगा हुआ था। अच्छा, इसके बाद वो देखने के बाद पंचायत जमा किए। पंचायत जमा किए तो पंचायत वाला मेरे को दबाव दिया, 10,000 रुपया लो। और के पंचायत कर रहा था, क्या नाम? ओ मैं किया था पंचायत, जुमाया था गांव घर के गुआ था। अच्छा, गुआ था। वही लोग सब बोलने लगा कि कहा ज़्यादा मामला बढ़ाओगे, 10,000 क्रियाक्रम के लिए दे रहा हूँ और 10,000 मुँह बंद कराए दे रहा हूँ। अच्छा, तो 10,000 जो मुँह बंद कराए दिया वो गुआ लेके चला गया मंदिर बनाने के लिए। अच्छा, उसके बाद हमको इसमें नहीं, हमको विचार नहीं हुआ, विचार नहीं आता हमको। इसके बाद हम आगे बढ़ गए, आगे बढ़े तो आगे बढ़ने के बाद थाना में आए, थाना में रिपोर्ट हुआ, जाके लाश को फोड़ के लाया गया। अब हाँ, ये लाश मिलने के बाद वो गांव वाला हमको दबाव दे दिया, इसके लिए दबा दिए, लेकिन मेरा मन नहीं हुआ था। अच्छा, आप लोग लाश को दफना दिए? हाँ, दफना दिए। कैसे ये फिर यहाँ आप पोस्टमार्टम के लिए कैसे लेकर आए? पोस्टमार्टम के लिए हमको जो गांव वाला डरवा दिया था तो हमको उसमें नहीं विचार हुआ। घटना के बारे में पुलिस को जो जो जैसे कार्यक्रम हुआ था वैसा ही पुलिस को बताया। क्या नाम है आपका? मंतु देवा। के है आपकी? हमारा बहन। कर मंजिल। कब का है घटना? ओह, 13 तारीख को रात को। आपने उसके भाई के बातों को सुना। निश्चित रूप से एक भाई कभी यह बर्दाश्त नहीं करेगा कि बहन की, हमारी बहन की हत्या की कीमत लगाई जाए। हाँ, गांव में पंचायत होती है, पंचायत में सब बात स्वीकारा जा सकता है, लेकिन किसी की हत्या की कीमत लगाई जाए, सजा दी जाए, सजा देने के लिए उचित फैसला करने के पंचायत बुलाई जाती है, न कि किसी की हत्या की कीमत लगाने के लिए, न तो किसी की इज्जत की कीमत लगाने के लिए। लेकिन ऐसा हो रहा था, ऐसा हो चुका था गांव में, उस पंचायत में जहां पर हत्या की कीमत लगाई गई थी। लेकिन अभी फिलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है, जो शव निकाला गया था उसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई है। अब पुलिस किस रूप में कार्रवाई कर रही है, क्या कहना है पुलिस का, आइए खुद एसपी से भी सुन लीजिए। जिला के पुलिस कप्तान भी इस मामले को लेकर पूरी तरह गंभीर हैं, उन्होंने निश्चित रूप से कार्रवाई का आदेश दिया है, कार्रवाई पुलिस कर भी रही है। में एक लड़की का शव दफना दिया गया था जिसे पुलिस निकाल करके पोस्टमार्टम कराई है, क्या मामला है? मामला जो प्राथमिक तौर पे सामने आ रहा है वो ये है कि दोनों में प्रेम संबंध था, लड़की और लड़के में। कुछ दिन से जो है दोनों में तनाव चल रहा था, उस तनाव के चलते लड़के ने लड़की को अपहरण करके उसको दो और साथियों के साथ में मिलकर उसको जो है गला घोट के उसकी जान ले ली और उसको फिर फांसी का स्वरूप देने की कोशिश की। और उसके बाद इसमें यह भी बात सामने आ रही कि ग्रामस्थों ने इसमें पोस्टमार्टम होने के पहले ही शव को जो है वो दफना दिया गया था और पुलिस तक इसकी सूचना नहीं पहुंचने की। इसके बाद पुलिस तक इसकी सूचना जब पहुंची है, पुलिस की तरफ से तत्परता से कार्रवाई करते हुए वो शव को मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में निकाला गया है, उसका पोस्टमार्टम कराया गया है और अभी जो है हमने प्राथमिकी जो उसमें अभियुक्त है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके निशानदेही पे बाकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। आपने जिला के पुलिस कप्तान की बातों को भी सुना, लेकिन यह घटना निश्चित रूप से इस बात को परिलक्षित करती है कि 21वीं सदी में भी आज भी लोग पंचायत जैसी बातों पर यकीन कर रहे हैं। गांव में आज भी पंचायतें लगाई जा रही हैं और इस तरह के मामले सुलझाए जाने की बात सामने आ रही है, सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। हत्या की कीमत लगाई जा रही है, किसी की इज्जत की कीमत लगाई जा रही है, जो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गलत है। हम खाप पंचायत की भी बात यहाँ पर करेंगे। खाप पंचायत का भी विरोध अपने देश में शुरू हो गया है कालांतर से ही, वर्तमान में इस तरह का पंचायत लगना कहीं ना कहीं पूरी तरह से गलत है। इसकी परिपाटी जो है, या जो जड़वत रूप में कायम है, यह निश्चित रूप से खत्म होनी चाहिए।